इस वीडियो में मैं आदित्य हृदयम स्रोतम पे बात करना चाहूंगा। ये आत्मज्ञान की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा है, चलिए इसको समझते हैं। आदित्य हृदयम स्रोतम एक हिंदू धार्मिक स्रोत है जो कि रामायण महाकाव्य के युद्ध के कांड में पाया जाता है। ये सूर्य देव सूर्य भगवान को समर्पित है और इसे ऋषि अगस्त ने भगवान राम को रावण के साथ युद्ध से पहले युद्ध क्षेत्र में उपदेश किया था। इस स्रोतम का पाठ शक्ति और साहस प्राप्त करने के लिए सूर्य देवता की उपासना की विधि बताता है। आदित्य हृदयम स्रोतम को हिंदू आस्था में एक अत्यंत शक्तिशाली स्रोत माना जाता है जो मन और आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का सार व्यक्त करता है। इसका जाप करने से माना जाता है कि अनेक लाभ मिलते हैं, जिसमें मानसिक स्पष्टता, भावात्मक दृढ़ता और शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है। इस स्रोतम का पाठ विजय समृद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए सूर्य के आशीर्वाद के लिए अक्सर किया जाता है। शब्द आदित्य का अर्थ है सूर्य और हृदयम का अर्थ है हृदय। इस प्रकार आदित्य हृदयम का अर्थ सूर्य का हृदय या वह जो सूर्य के विशेष रूप से प्रिय हो सकता है। ये स्रोत जीवन के स्रोत और ऊर्जा के हृदय और सार के रूप में प्रकाशित करता है। इस स्रोत के पीछे की दार्शनिकता ये सुझाव देती है कि जैसे सूर्य अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार सूर्य भगवान का आवाहन करने से अज्ञानता दूर हो सकती है और ज्ञान और सफलता के मार्ग को प्रकाशित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सूर्य के महत्व को समझते हैं। इस स्रोतम की पहली श्रेणी में हम सूर्य की महत्ता का वर्णन करते हैं। सूर्य जो जगत का प्रकाशक है, वही हमारी चेतना को उजागर करता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक सूर्य होता है जो सतत जागृत और अनंत संभावनाओं का स्रोत है। सूर्य से हमारी धरती का जन्म हुआ और धरती से हमारे शरीर का। इस प्रकार सूर्य हमारा परम पूर्वज है। जो कुछ भी सूर्य पर होता है, वह हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक कंपन पैदा करता है। ये होना ही है क्योंकि हमारी कोशिकाएं सभी सूर्य से ही जन्मी है। हमारे रक्त के हर तत्व में और हमारी हड्डियों के प्रत्येक कण में सूर्य के परमाणु जीवित हैं। सूर्य भले ही हमसे बहुत दूर प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह इतना दूर नहीं है। हम सूर्य का एक हिस्सा हैं। इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे जीवन पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है। आइए इस मंत्र की गहराई में जाते हैं। आदित्य हृदयम स्रोतम की दूसरी श्रेणी में हम उस संदर्भ पर पता लगाएंगे जहाँ ऋषि अगस्त्य ने इस स्रोत को भगवान राम को सुनाया था। थोड़ा अगस्त्य ऋषि के बारे में जानेंगे। अगस्त्य नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द अगस्त से हुई है, जिसका अर्थ होता है पाहन, बोझ उतारने वाला या गुनाहों को हरने वाला। कुछ व्याख्याओं के अनुसार अगस्त्य नाम का संबंध अग से भी माना जाता है, जिसका अर्थ है पाप, और सत्य जिसका अर्थ है नष्ट करना। इस प्रकार अगस्त्य का अर्थ होता है वह जो पापों को नष्ट करता है। ऋषि अगस्त्य वैदिक काल के महान सप्तऋषियों में से एक थे और उन्हें विद्वान, दिव्य दृष्टि वाले और शक्तिशाली तपस्वी के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुराणों और इतिहास में अगस्त्य ऋषि के कई महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन मिलता है, जैसे कि वेदों का प्रकार, दक्षिण भारत में सांस्कृतिक एकता की स्थापना और सिद्ध औषधियों के निर्माण में उनका योगदान। इसके अलावा उन्हें द्रविड़ भाषाओं, विशेषकर तमिल भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है। इसलिए अगस्त्य नाम ना केवल एक व्यक्तित्व का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान और पापों के निवारण की भावना का भी प्रतीक है। रामायण में वर्णित अनुसार ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम को युद्ध से पहले आदित्य हृदयम स्रोतम सुनाई, क्योंकि उस समय राम लंकापति रावण के साथ लंबे युद्ध के कारण थकान और अनिश्चितता का अनुभव कर रहे थे। ऋषि अगस्त्य ने राम को मार्गदर्शन देने और उनमें नई ऊर्जा एवं साहस भरने के लिए ये स्रोतम सुनाई, ताकि उनका मनोबल और ऊर्जा जग सके, उनकी शक्ति और संकल्प दोबारा बन सके और उनके भीतर जागरूकता और आत्मचिंतन का उदय हो। इस मंत्र का असली उद्देश्य यह है कि तुम्हारे भीतर का आदित्य, तुम्हारे भीतर का सूर्य जाग जाए। अगर तुम्हारा सूर्य सक्रिय नहीं है तो तुम्हारा जीवन अंधेरे में रहेगा। तुम इसका प्रभाव अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखोगे। उस भीतर के सूर्य के जागने के कारण तुम्हारे भीतर के राम जाग जाते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से साक्षात्कार कराते हैं। हर एक मंत्र हमें अंतरात्मा की गहराई में ले जाता है, जहाँ जागरूकता
और प्रेम का वास है। जब सूर्य तुम्हारे जीवन में सक्रिय होते हैं तो उनका प्रभाव जो है तुम अपने जीवन में देख सकते हो। सूर्य की अनुकूलता से आत्मिक शक्ति और साहस बढ़ता है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है। सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को ध्यान और साधना में गहराई तक ले जा सकता है, जिसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सूर्य ज्ञान और आत्म जागरूकता का कारक है, जिससे व्यक्ति का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। जब सूर्य शुभ फल देता है तो वह व्यक्ति में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना को बढ़ाता है। सूर्य की अनुकूल स्थिति लीडरशिप क्वालिटीज को मजबूत करता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक समुदाय या समूहों का नेतृत्व करने में सहायक होती है। सूर्य का शुभ प्रभाव व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता और उत्साह को बढ़ाता है, जिससे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जब सूर्य मजबूत होता है, व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य की समझ होती है, अपने कर्मों में उस उद्देश्य का पालन कर सकता है। आदित्य हृदय स्रोतम हमें अपने जीवन की यात्रा में एक सहयात्री की तरह सहायता कर सकता है। पर याद रखो, हर मंत्र का उद्देश्य यही होता है कि तुम निःशब्द में प्रवेश कर जाओ। मंत्र में मन का उपयोग है और मंत्र के माध्यम से तुम इस मन से छलांग ले सकते हो और भीतर उस निःशब्द, उस मौन को अनुभव कर सकते हो। तो मंत्र सिर्फ एक साधन है तुम्हें अपने भीतर के राम से मिलवाने का। मन से मुक्ति ही तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट करेगा। प्रणाम।